ये देखें ये कितना अच्छा कलर है, इट इज़ लाइक द बेस्ट। ये वाले कलर्स जो मैं तीन आपको दिखा रही हूँ इतने अच्छे और इतने ब्लेंडेबल और इतने शाइनी और हाईली पिगमेंटेड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्राउन वालों के आई शेडो कलेक्शन, जिसमें 35 बेसिकली आई शेडोज होते हैं। ये पूरी आई शेडो पैलेट है और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है, इसकी हालत आप लोग देख ही सकते हैं कैसी हुई हुई है। तो अब इसको खोलती हूँ और इसके अंदर पूरे 35 कलर्स है। एक मिरर लगा हुआ है, तकरीबन ये आपको $20 की मिल जाएगी और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से लेना चाहें तो 1500 या 3000 में इजीली मिल जाता है। अच्छा, आई शेडोज़ के ऊपर इस तरह की ये प्लास्टिक होता है, इसको रिमूव ना किया करें, इसको रखे रहने दिया करें, आपके आई शेडोज़ को प्रोटेक्ट करेगी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसको रिमूव नहीं करना, चाहे जितने मर्ज़ी सालों से ये आपके पास हो। अच्छा, यहाँ इस पैलेट की अच्छी बात है, जितने भी कलर्स हैं उसमें शाइनी भी है, मैट भी है और तमाम न्यूट्रल कलर्स भी हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे कलर्स हैं जो आपकी पूरी की पूरी लुक को कम्प्लीट करने के लिए काफ़ी हैं, चाहे आप शादी पर करना चाहें, चाहे आप किसी पार्टी पर करना चाहें, चाहे किसी ऑफिस वेयर पर करना चाहें, या कहीं भी आपने जाना हो फॉर्मल वेयर तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, स्किन सा ये बहुत लाइट है, बहुत अच्छा आई बेस कलर देता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इनसे मैंने बहुत सी लुक्स क्रिएट की हैं, स्पेशली जो ये और दो कलर्स हैं इनसे तो मैंने बहुत सारी लुक्स क्रिएट की हैं। तो मैं आप लोगों को इनके स्वैचेस वगैरह करके बताऊंगी सारे। इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर जो है, ये अगर आपने स्मोकी आई लुक करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट थ्री के स्वैचेस दिखाए हैं, ये बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा ब्लेंडेबल हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ फिंगर से भी अप्लाई किया है तो थोड़ा सा स्मज भी हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बाकी कलर्स दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको ये पर्पल दिखाया, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं ये तीनों के तीनों, क्योंकि इन कलर्स की इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है, आपकी आँख पर इतना पॉप करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इन कलर्स को आपको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं है स्प्रेड करने के लिए, आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। ये मैंने इन तीनों के स्वैचेस आपको दिखा दिए और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड हैं ये। सो इट इज़ रियली गुड, मैं मतलब जितनी इनकी तारीफ करूँ उतने ही कम है। अब मैं आपको बाकी के स्वैचेस करके दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ इन तीनों के कर लेते हैं, ये जो कलर है ये आप एज अपने आई कॉर्नर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, इनर आई कॉर्नर्स के ऊपर पॉप करने के लिए अपनी आईज, और ये वाला कलर आप एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर आ गया, ये मैंने हमेशा बेस के ऊपर लगाया, अगर मैंने कभी शादी पे जाना और मेरा ड्रेस गोल्डन हो तो बहुत अच्छी लुक आती है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस ब्लूइश टाइप पर्पल कलर की, ये भी बहुत बेहतरीन कलर है। इसका मैच जो दूसरा आपको कलर दिखाया था उसके साथ होता है और बहुत बेहतरीन कलर्स लगते हैं। और मैंने देखे हाथों से सिर्फ ब्लेंड किया है तो कितनी जल्दी ये ब्लेंड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इनकी पिगमेंटेशन की ब्लेंडिंग कितनी आसान है। अच्छा, उसके बाद हम एक और बेस कलर की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा बेस कलर बनता है अगर आपने स्मोकी आई लुक करनी हो तो। तीन आपको चाहिए होते हैं इस तरह के स्किन टाइप के बेस कलर्स, वो सब इस पैलेट में मौजूद हैं और ब्लैक कलर भी है कि वो भी यूज़ हो सकता है फॉर योर बेस्ट एंड द बेस्ट स्मोकी आई लुक। और ये देखें, ये वाला कलर भी मैंने बेहतरीन दफ़ा यूज़, बेहतरीन है और मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया, इतना बेहतरीन कलर है ये। आई वुड, मैं ये सब ब्रैग नहीं कर रही, आप लोगों के सामने है कि किस तरह ब्लेंड हो रहे हैं ईजीली। स्पेशली ये कलर देखें, इतना अच्छा ये कलर है और आपकी आईज़ को इतना नेचुरल और इतनी डिसेंट लुक देता है ये कलर सी ग्रीन, ये और भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ जो कैमरे में आपको कलर्स दिखा रही हूँ ये बिल्कुल यही कलर्स हैं इनके, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कलर ऐसा नहीं है कि कैमरे पे कुछ आ रहा है रियल में कुछ आ रहा है। और जितना मर्ज़ी आप फिर इस कलर को बिल्डअप करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं एक ही में स्वाइप कर रही हूँ तो उसमें ही कितना ज़्यादा कलर आ रहा है। तो इनके पिगमेंटेशन के बारे में तो आपको पता लग ही गया है कि कितनी अच्छी है। मैं थोड़ा और आपको कलर्स वगैरह दिखा देती हूँ। ये भी बेस कलर बनाने में, स्मोकी आई मेकअप करने में बहुत बेहतरीन कलर है। उसके बाद मैं ये गोल्डन कलर, आप देख ही सकते हैं मैंने कितना यूज़ किया हुआ है इस कलर को। फिर आगे इस डार्क कलर की बारी है, ग्रीनिश कलर है, डार्क ग्रीन जिस तरह होता है ना, डर्टी ग्रीन टाइप ऑफ, ये बिल्कुल वो सिस्टम है। और ये भी बहुत अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है, मतलब एक ही स्वाइप में देखें कितनी अच्छी इनके पिगमेंटेड कलर्स हैं। और इनके स्वैचेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये सारे जो स्वैचेस हैं ये मैंने किन के किए हैं वो बता देती हूँ। एक इसका किया है जिसको आप इनर कॉर्नर पे यूज़ कर सकते हैं, फिर ऑरेंजिश टाइप है, मैरून टाइप कलर है, उसके बाद गोल्डन आ गया। गोल्डन की बहुत वैरायटीज़ है यहाँ पे, कॉपर है, गोल्डन है और सिल्वर है, ब्लैक है, डार्क शेड्स। गर्ज ये कि हर शेड की बहुत अच्छी अच्छी पिगमेंटेशन है और हर तरह का आपको, अगर आप एक ही पैलेट खरीद लें, अगर आप ब्राइड हैं, अगर आप आपको कोई मेकअप खरीदना, आई शेडोज की समझ नहीं आ रही तो बस ये एक पैलेट ही खरीद लें, आपको सालों एक तो चलेगी, दूसरा ये कि ये काफ़ी है, ये तमाम मेकअप लुक्स क्रिएट करने काफ़ी है। घर के मेकअप लुक आपने कोई, यानी कि आपके घर में मेहमान आते हैं, आप इतना फैंसी चमकीला भरकीला नहीं करना चाहते तो आप उसके अंदर भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ऑफिस जाना है, एज अ टीचर हैं आप या कुछ भी, तब आप यूज़ कर सकते हैं।
एंड यू नो ये एक आपको न्यूट्रल लुक भी देगा, एक फॉर्मल लुक भी देगा, शादी ब्याह का है उसमें लुक देगा, पार्टी वेयर, हर तरह के कलर्स हैं इसमें। हाँ, इसके अंदर आपको उस तरह के कलर नहीं मिलेंगे जैसे येलो हो गया और एक रेड कलर हो गया, लेकिन ये कलर ऐसे हैं जो हम बार बार यूज़ नहीं करते, उसके लिए आप सेपरेट छोटा सा भी ख़रीद सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी अगर रेड भी मेरा सूट है तो मुझे उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसी लुक की ज़रूरत हो। मैं हमेशा नेचुरल टोन्स इस तरह के लाइट ऑरेंज हो गया, स्किन कलर हो गया, इनको ब्लेंड करके ही करती हूँ तो बहुत अच्छी लुक क्रिएट हो जाती है। अच्छा, तो ये सारे और स्वाचेस मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो गाइज़ आप इसके स्वाचेस से अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये कितने अच्छे कलर्स हैं। आप इसको ले लें अगर आपको ये मिले। कुछ ये जैकलिन हिल की जो है ऊपर कवर अटैच करके भी ये मिले हुए हैं, तो वो भी अगर आपको मिले तो आप ले सकते हैं, उनके स्वैचेस वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये सारे कलर्स दिखा दिए हैं, लेकिन अगर आपको क्राउन वालों की मिलती है, ये ओरिजिनल है, इसको ले लीजिएगा। प्राइस वगैरह इसकी बता दिए, कहीं सेल लगी हो तो और सस्ती मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ 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 प्लास्टिक जो है इसके ऊपर का वो ना फेंकिएगा। अच्छा, यहाँ हैक बता रही हूँ, मेरे पास ये शीट मास्क बहुत सारे पड़े थे, कंप्रेस्ड शीट मास्क, और इनको मैं यूज़ कर रही थी बार बार स्वैचेस रिमूव करने के लिए। इसके साथ ये बाउल मिलता है, इसके अंदर मैंने मेकअप रिमूवर ऐड कर लिया था, और ये शीट मास्क एक टैबलेट टाइप सी होती है, आप डाल देते हो, ये स्वेल अप कर जाता है, और इस तरीके से आप ओपन करें और इसको यूज़ करें। तो मैं यही यूज़ कर रही थी इस टाइम आप लोगों को स्वैचेस दिखाने के लिए, और ये एक मैंने आप लोगों को टिप दी है क्योंकि मेरे पास तकरीबन 50 से ऊपर पड़े हुए हैं ये। सो दैट्स इट गाइज फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको ये हैक भी अच्छा लगा होगा। दूसरा हैक मैं यहाँ ये बताऊँगी कि मेकअप स्वाइप्स पे पैसे ज़ाया करने से बेहतर है आप एक अच्छी क्वालिटी की कॉटन रोल ले लें और उसको छोटे छोटे पीसेस में काटे किसी एयरटाइट कंटेनर में भर दें। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये पसंद आई होगी मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।